नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण के मुश्किलों के बीच प्रवासी मजदूर जितने हैं वो बिहार आना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। हालांकि बिहार सरकार ने ये दावा किया है, ये फैसला लिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। इस बात को सुनिश्चित करें जितने अधिकारी हैं कि उन सभी मजदूर को दिक्कत ना हो, और जो लोग अब सड़कों पर पैदल चल रहे हैं वो पैदल ही घर आ रहे हैं, उनसे भी सरकार ने अपील किया है कि नज़दीकी थाने में जाकर के आप संपर्क करें, आपको ज़रूर वापस बिहार लाया जाएगा। लेकिन ऐसे में बिहार में विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, किस तरीके से ग्राफिक्स जरिए साफ साफ कहा जा रहा है कि बिहार के मजदूर आज भी सड़क पर मर रहे हैं। आप बस घोषणाएँ कर रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को साझा किया है और सरकार पर करा प्रहार किया है इस पोस्टर के जरिए, कह सकें इस ग्राफिक से जरिए। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी साफ साफ कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल हैं वो सिर्फ तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। हालांकि विपक्ष की सभी भूमिकाएं तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, फिर भी क्यों आरोप विपक्ष पर लग रहे हैं? सवाल सत्ता पक्ष से क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सरकार के जो सरकार में बैठे हुए लोग तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका तो इस संकट काल में, आपदा की घड़ी में, बिहार की 11 करोड़ जनता ने देखा बिहार सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा। सारे दावे इस आपदा की घड़ी में जो जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने किया, सारा दावा का हवा हवा ही निकला। सर जमी पर कुछ नहीं है। कहीं मजदूरों को डंटा से पीटा जा रहा है, मजदूर बड़ी संख्या में पैदल आ रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में खाना पीना नहीं मिल रहा है, छात्रों को लाने में आनाकानी किया, मजदूरों को लाने में आनाकानी किया, उनको घर लाने में। ये तो तेजस्वी यादव जी के दबाव का नतीजा है कि आज मजदूर घर वापस आ रहे हैं, श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। तो ये लोग, जेडीयू का मतलब है झूठा दावा अनलिमिटेड, और बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। ये लोग हमें क्या तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़ा करेंगे? तेजस्वी यादव जी तो आज बिहार के 40-50 लाख उन गरीब मजदूरों श्रमिकों के साथ खड़े हुए, ये तो पूरा देश और दुनिया ने देखा, जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने का काम जो तेजस्वी यादव जी ने किया, वो तो सरकार के बैठे हुए लोगों के मुंह में तमाचा है। तब ने सुना, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, साफ साफ शिकायत है। सुबह ही जब हमने बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों को सतर्क रहना होगा। कुछ दिन पहले जब हमारी बातचीत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से हुई थी, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि इस वक्त शत्रु जो है वो अदृश्य है। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है इस वक्त एक चिंता का विषय बनी हुई है, लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और खतरा भी बढ़ते जा रहा है। हम आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में सर्वाधिक मामले निकल के आए हैं। संख्याएं जो हैं सबसे ज़्यादा वो पटना में ही हैं। बीएमपी के 21 जवानों को अब तक इस संक्रमण ने जकड़ लिया, और ऐसे में अब लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार पर मजदूरों को बिहार ना लाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। सरकार ने कहा है कि हमने उनको लाने का निर्णय किया, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल के आता है, क्योंकि रोज़ एक नया फैसला निकल के आता है। आज शाम कैबिनेट की बैठक भी है, उसमें किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है ये भी देखने वाली बात होगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।